गण गणपते नमः। आज गणेश चतुर्थी है, आज भगवान श्री गणेश जी हमारे घर पर पधारे हैं, हमारे घर में वास करते हैं। पारंपरिक रूप से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम सब अपने अपने घरों में भगवान गणपति जी की प्रतिमा को स्थापित करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा सहित पूजा करते हैं। भगवान गणेश प्रथम देवता हैं। भगवान गणेश जी सभी विघ्नों का नाश करने वाले विघ्नहर्ता हैं। इसीलिए हर कार्य को आरंभ करने से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। पूरे देश में भगवान गणेश जी की अलग अलग स्वरूपों में पूजा की जाती है। मैं चाहता हूं कि आज आप सभी अपने बच्चों को भारत में गणेश चतुर्थी उत्सव के गौरवशाली इतिहास के बारे में जरूर बताएं। ब्रिटिश काल में लोग किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या उत्सव को साथ मिलकर या एक जगह इकट्ठे होकर नहीं मना सकते थे, इसलिए लोग घरों में पूजा किया करते थे। लोकमान्य तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने पुणे में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाया। आगे चल के उनकी वो कोशिश एक आंदोलन बनी और स्वतंत्रता आंदोलन में इस गणेशोत्सव ने लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। एक तरह से गणेश चतुर्थी ने देश के लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, लोगों में देशभक्ति जगाने का काम किया, ताकि वो एक साथ आकर भगवान की पूजा करें और देश के लिए मिलकर लड़ें। हम सभी को अपने बच्चों में आध्यात्मिकता और देशभक्ति के इस मिश्रण को विकसित करना चाहिए। हम सभी को अपने बच्चों में आध्यात्मिकता और देशभक्ति की इस भावना को जरूर डालना चाहिए। ये त्यौहार हम सब भारतवासियों को एकजुट होकर हमारी तमाम परेशानियों और परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देता है। कोरोना के खिलाफ देश इस वक्त सदी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और हमें एकजुट होकर इसे हराना है। कोरोना के चलते इस बार पंडालों के सार्वजनिक कार्यक्रमों की इजाज़त नहीं है, ताकि किसी भी तरह की भीड़ से बचा जा सके, और इसीलिए हम आप सबके लिए ये शानदार गणेश पूजन कार्यक्रम करवा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पूजन कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट सभी टीवी चैनल्स पर होगा, ताकि आप सभी टीवी के माध्यम से अपने परिवार के साथ अपने अपने घरों से पूजन के इस कार्यक्रम में जुड़कर भगवान श्री गणेश जी की वंदना कर सकें। आज शाम सात बजे से भगवान गणेश जी के इस भव्य पूजन कार्यक्रम में अपने सभी मंत्रियों के साथ मैं भी शामिल रहूंगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस भव्य समारोह को एक साथ मनाने के लिए अपने पूरे परिवार, खासकर अपने बच्चों को साथ जरूर रखें। मुझे बेहद खुशी है कि मशहूर गायक और संगीतकार श्री शंकर महादेवन जी और श्री सुरेश वाडेकर जी भी आज रात हमारे साथ गणेश जी की पूजा आरती करने के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बार दिल्ली के हम सभी 2 करोड़ लोग मिलकर एक साथ भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की ओर से मैं सभी देशवासियों को भी भगवान गणेश जी के इस पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। 130 करोड़ भारतीय एक साथ मिलकर भगवान गणपति की वंदना करेंगे तो चमत्कार होगा, सभी की मनोकामनाएं पूरी होंगी। विघ्नहर्ता हम सभी को अपना आशीर्वाद दें और हमारे सभी कष्टों को हर लें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।